नमस्कार साथियों, अभी चुनावी दौर चल रहा है। इस चुनाव में सभी पार्टियों के नेता गांव में आएंगे, गांव वालों से बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, आश्वासन देंगे। बहुत अच्छी बात है, गांव में आते हैं उनका स्वागत करें, मन से स्वागत करें। मेरा एक सुझाव है, निवेदन भी है कि जो भी नेता गांव में आते हैं उनका स्वागत मन से करें। हम माला पहनाने में, घोड़ी चढ़ाने में, डीजे बजाने में इतना समय बर्बाद न करके गांव के विकास के संबंधित अगर चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो साथियों, हमें अभी का जो दौर चल रहा है, क्योंकि इस दौर में अगर गांव के लोग एक मंच पर आकर के गांव के विकास की बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम यही चाहते हैं कि सारे जितने भी कोई गांव स्तर में जितनी जाति धर्म पार्टी जो भी है एक मंच पर आके और विकास की अगर बात करें तो बेहतर रहेगा। हम जानते हैं कि आज के समय में हम बिखर गए हैं, कोई जाति के नाम पे, कोई पार्टी के नाम पे, और हम सारे लोग अगर गांव एक मंच बना ले विकास के लिए एक मंच बना ले और सभी नेता जो आ रहे हैं गांव के अंदर पधार रहे हैं उनके साथ में अगर लिखित में अपना समझौता करें तो बेहतर रहेगा। क्योंकि गांव में आते हैं, भाषण देते हैं, हम सुनते हैं और वो बोल देते हैं ये कराएंगे, वो कराएंगे, ये इतना रोजगार देंगे, इतनी स्कूलें खुलाएंगे, गांव में इतनी सड़कें बना देंगे, गांव से गांव को सड़क से जोड़ देंगे। तो हमारे जो गांव की नीड है, हमारे जो गांव की आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं का एक गांव स्तर पर एक मैनिफेस्टो बनाएं कि हमारे गांव की ये मांगे, और कोई भी आए उनसे एक लिखित में एक अग्रीमेंट कराएं। देखो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, मैं किसी कंपनी में नौकरी लगता हूँ या कोई भी, तो उसके साथ में एक लिखित समझौता होता है कि भैया तेरे को ये काम करना पड़ेगा, इतनी घंटे की ड्यूटी है, फलां 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 ये, और बाकायदा साइन होता है। होता यह है कि एक विडम्बना है, ये जनप्रतिनिधि होती है, उनके साथ में लिखित में कोई अग्रीमेंट नहीं होता है, ये इनका मैनोफेस्टो या भाषण होता है, वो करे तो करे, न करे तो न करे। तो ये सब चीज़ें हमें उनसे लिखित में लेना चाहिए और एक दूसरे से साइन हस्ताक्षर होना चाहिए, वो लीगली होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। अगर वो नहीं करा पा रहा है तो 6 महीने में, 1 साल में जो भी वो त्याग पत्र दे भाई, क्योंकि अगर नहीं करा पा रहा है तो एक तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इनसे पूछें कि भाई आप कराओगे कैसे। ठीक है, वो लिखित में समझौता कर लेगा लेकिन कराएगा कैसे, क्या राजस्थान को गिरवी रख के कराएगा, क्योंकि राजस्थान में पहले से भी प्रत्येक व्यक्ति पर 13,000 से 18,000 प्रति व्यक्ति कर जाए तो ये पैसा आएगा कहाँ से पैसा आएगा। ये सब चीज़ें हैं, तो एक ये। दूसरी चीज़ ये कि हम आज अपने ग्रास रूट यानी खेती बाड़ी से जो मोह भंग हो रहा है ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये अगर खेती बाड़ी से अगर ध्यान हट जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसके अलग अनेक कारण हो सकते हैं भाई, अपने जो किसान जो पैदावार करता है, किसान जो फसल उगाता है, वो भाव उसको नहीं मिल पाता। ये एक बहुत ही विडम्बना है, बहुत ही त्रासदी है। होता यह है कि अगर आज कोई भी फैक्ट्री में अगर पैन भी बनता है तो वो कहता है मैं 10 रुपये लूंगा और अपन देते हैं, माचिस के 1 रुपये लूंगा और अपन देते हैं, और किसान के पास अधिकार नहीं है कि मैं आज मेरी इतनी मेहनत लगी है, इतना मजदूर लगा है और मैं तो मोट है जो 15,000 रुपये क्विंटल बेचूंगा, उसके पास अधिकार नहीं है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब बातों को सोचते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा आपस में चर्चा करनी चाहिए। हमें पार्टियों में, जातियों में नहीं बढ़ना चाहिए, हमें किसी के पिछलुंगु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन नेताओं से अगर सवाल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। कोई भी बच्चा अनपढ़ होता है तो वो मजदूरी करता है, वो मिलते हैं उनसे बात करते हैं कि भाई तू कितना पढ़ा लिखा है, तो उसका जवाब एक ही आता है कि यार वो माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। हो सकता है उनके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन वो हमें दोष देता है। तो साथियों, अपने जो शहीद हुए हैं, देश को आज़ाद कराया है, और जो अपने स्वतंत्रता सेनानी हैं, देश की रक्षा करते हैं, रक्षा में जो शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी तब हम गांव के विकास करेंगे, उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी। तो हमें आगे आना चाहिए, और ठीक है
अपना अपना वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी अपनी पार्टी का वो प्रचार करें, गुप्त मतदान है, किसी को मतदान करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम गांव के विकास के जो भी प्रश्न है वो उनसे पूछने चाहिए। हम होता है कि नेताजी को लेट हो रहा है बस अगले गांव जाना है, अरे जल्दी करो जल्दी करो, अरे भाई वो नेताजी को समय निकालना पड़ेगा, वो माला में घोड़ी में डीजे में वो एक घंटा लगा देता है, और लोग जब चर्चा करते हैं कि नेताजी को जल्दी हो रही है, ऐसा नहीं करके सभी से निवेदन है कि हमें जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करना चाहिए और बेखौफ सवाल करना चाहिए, लेकिन नम्रता से। ये काले झंडे धरना प्रदर्शन ये समस्या का समाधान नहीं है, हमें ऐसी बात करनी चाहिए नम्रता से, और ऐसी बात करें जो अगला सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर हो, ऐसी बात न करें जिससे उनकी आत्म समानता पे या उनकी भावना पे ठेस पहुंचे, क्योंकि आने वाले समय में हमें विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें संविधान के तहत संविधानिक रूप से उनसे बातचीत करें और अपनी बात रखें। धन्यवाद।